आपसे लेमडा एम नॉट पूछा जा रहा है कैल्शियम क्लोराइड का और किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का, और यहाँ इसके आयन के बारे में दिया हुआ है, कैल्शियम आयन का वैल्यू दिया और मैग्नीशियम सल्फेट। अब देखो पहले कैल्शियम क्लोराइड का निकालते हैं, तो लेमडा नॉट सी ए सी एल टू कैल्शियम क्लोराइड, बोलो इसके लिए क्या रिलेशन आ जाएगा, लेमडा नॉट सी ए टू प्लस प्लस टू इंटू लेमडा नॉट सी एल माइनस। कैल्शियम आयन का वैल्यू देखो तो दिया हुआ है 119.0, क्लोराइड आयन का वैल्यू कितना है 76.3, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 76.3 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है, सिंपल है, हम यहाँ कैलकुलेटर निकाले हैं, देखो यहाँ 2 इंटू 76.3 ये वैल्यू कितना आ गया 152.6, यानी 119.0 प्लस 152.6। अब इसको ऐड कर देंगे, बताओ कितना आ जाएगा 0.6, और यूनिट क्या होता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, निकल गया। इसी तरीके से जब हम लोग ये फर्स्ट निकाल लिए तो अब आप रिस्पॉन्ड करोगे कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें निकालना है मैग्नीशियम सल्फेट का लेमडा नॉट MgSO4 का, निकाल सकते हो आप, इसको कॉपी करो, क्वेश्चन नंबर सिर्फ लिख लो, क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, आपके NCERT बुक का है, पहला हम बता दिए मैग्नीशियम सल्फेट का आप निकालो नॉट, यहाँ ये वैल्यू आ जाएगा लेमडा नॉट Mg2 प्लस प्लस लेमडा नॉट SO4 2 माइनस। अगर सल्फेट का नंबर ज़्यादा होता तब मल्टीप्लाई होता, जैसे एक एग्जांपल अभी आपको हम बताए थे यहाँ पर, देखो ये एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस था, यहाँ सल्फेट का कितना है 3, तो इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया, सल्फेट तो इट सेल्फ है, उसके ऊपर में उसको 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर ये वैल्यू मैग्नीशियम आयन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 106.0, सल्फेट आयन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 160.0, यानी ये वैल्यू 266.0, और यूनिट क्या हो जाएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू।